हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अरुण ज्योति वर्मा, केमिस्ट्री लेक्चरर ऑफ सीता इंटर कॉलेज। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को क्लास फर्स्ट ईयर के लिए जो पहला लेसन है केमिस्ट्री में, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसका अगला टॉपिक उसमें शुरू करेंगे। इसके पहले इस लेसन से हमारे दो वीडियो अपलोड हो चुके हैं और मैंने टॉपिक शुरू किया था मोल कॉन्सेप्ट, बताया था बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके इसमें बुक में, एग्ज़ाम की दृष्टि से भी है और कंपटीशंस में भी बहुत क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। तो उसके दो वीडियो मेरे पहले इसके अपलोड हो चुके हैं, आप लोगों ने देखे होंगे और उससे नोट्स भी बनाया होगा, उम्मीद है हमको, तैयारी भी की होगी। उसमें जो मोल कॉन्सेप्ट फर्स्ट था पार्ट, उसमें मैंने आपको मोल होता क्या है, वन मोल की डिफिनेशन बताई थी और किसी भी सब्सटेंस के जब मोल निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे उसके बारे में आप लोगों को मैंने बताया था, और एक न्यूमेरिकल बताया था जिसमें आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने मैंने बताया था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड वीडियो जो इस टॉपिक पर था मोल कॉन्सेप्ट पार्ट टू के नाम से, उसमें मैंने आपको किसी भी सब्सटेंस में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, जो परमाणुओं की संख्या होती है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में मैंने बताया था, और किसी भी सब्सटेंस में जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आयनों से मिलकर के बने होते हैं, तो उसमें जो नंबर ऑफ आयन्स होते हैं उनको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज इस वीडियो में जो मेरा तीसरा वीडियो फर्स्ट ईयर के लिए होगा, इसमें उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कंप्लीट करना है मोल कॉन्सेप्ट को, तो मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक आज इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, में मोल कॉन्सेप्ट में आज हम आपको बताएंगे कि अलग अलग अगर हमको नंबर ऑफ एटम्स, आयन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स ये सब कैलकुलेट करने हो तो उनको कैसे करेंगे ये आपको बताएंगे। तो इसमें मोल कॉन्सेप्ट पार्ट थ्री समझ लीजिए है आपका, मोल कॉन्सेप्ट। इसमें आप लोगों को आज बताएंगे कि अलग अलग अगर पूछे जाते हैं तो कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया हो 5.1 ग्राम अमोनिया का फार्मूला सभी लोगों को पता होगा, NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए, ये आया क्वेश्चन इस तरह से। तो आपका क्वेश्चन है 5.1 ग्राम NH3 में अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु हमको अलग अलग काउंट करने हैं। अभी तक मैंने बताया था कि जो आपने क्वेश्चन पिछले वीडियोस में किए उसमें आप कंबाइंड निकालते थे नंबर ऑफ एटम्स या फिर आयन्स, इसमें आपको जो है अलग अलग निकालना है। तो यहाँ पे मैंने इसके पहले आपको बता रखा है वीडियोस में कि जब किसी भी सब्सटेंस में आपको अणुओं की संख्या निकालनी हो या फिर परमाणुओं की संख्या निकालनी हो या फिर आयनों की संख्या निकालनी हो या फिर आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी हो, प्रोटॉनों की निकालनी हो, तो उसके लिए सबसे पहले हम उसके क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे ये आपको मैं इसके पहले वाले वीडियोस में बता चुका हूं, तो उसके हिसाब से मोल निकाल लेंगे। तो यहां पे देखिए अमोनिया का वेट आपको दिया है 5.1 ग्राम, तो जाएगा NH3 का भार को W से रिप्रेजेंट किया जाता है, NH3 का भार W बराबर हो जाएगा 5.1 ग्राम, ठीक है। फिर अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे और भार निकाल लेंगे, तो NH3 का अणुभार मॉलिक्यूलर वेट MW से डिनोट करते हैं। इसके पहले वीडियोस में आपको बता चुके हैं जब किसी भी अणु का या यौगिक का अणुभार निकालते हैं तो उसमें जितने भी परमाणु होते हैं सबके परमाणु भारों को आपस में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का एक परमाणु है और तीन परमाणु किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, तो सबके परमाणु भार ऐड करेंगे तो हो जाएगा N का परमाणु भार एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन, और H यहाँ पे जो हैं कितने हैं 3, तो
तो एच एटम आपके थ्री हैं तो हो जाएगा थ्री इंटू एच का एटॉमिक वेट। अब नाइट्रोजन का जो परमाणु भार है 14 होता है। वैसे जब न्यूमेरिकल लगाने को आएगा आपको एटॉमिक वेट याद नहीं करने, सब दिए होते हैं, ब्रैकेट में लिखे होते हैं, एन का कितना होगा, एच का कितना होगा, जो भी उसमें एटम होंगे उनका सबका वहां पे एटॉमिक वेट लिखा होगा, तो उससे देखे कर लेंगे। तो नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 हो गया, हाइड्रोजन का 1 होता तो 3 × 1 हो जाएगा, तो ये 17 आ जाएगा। तो आपने NH3 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया, कितना आया, 17 आया। ठीक है, तो हमको यहाँ पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु निकालने हैं, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। उसके लिए अमोनिया का वेट आपको दिया 5.1 ग्राम, और भार इस तरीके से निकाल लेंगे सबका ऐड करके। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो जाएगा NH3 के मोल, मोल को इस्मालियन से रिप्रेजेंट करते हैं। बताया जब किसी पदार्थ के मोल निकालने हो, किसी यौगिक या अणु के मोल निकालने हो, तो वहाँ पे उस पदार्थ का जो भार होता है, तो फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट अपान मालिकुलर वेट, यानी पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। तो यहाँ पर अमोनिया के मोल निकालने हैं तो अमोनिया का भार और बटे हो जाएगा अमोनिया का अणुभार, तो जाएगा NH3 का भार अपान हो जाएगा NH3 का अणुभार, NH3 का अणुभार। NH3 का भार आपको 5.1 ग्राम दिया है, और बताए थे शुरुआत में ही कि कभी भी जब नंबर ऑफ मोल्स आप निकालेंगे तो वहां पर जो भी सब्सटेंस दिया होगा, जो भी पदार्थ दिया होगा, उसका जो वेट है वो ग्राम में होना चाहिए। अगर किसी और यूनिट में होता है तो उसको हम ग्राम में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे NH3 का वेट ऑलरेडी आपको ग्राम में दिया हुआ है, तो जाएगा 5.1 अपान 17। देखिए पॉइंट लगा हुआ, पॉइंट को जब हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे 10 हो जाएगा, 17 से डिवाइड कर देंगे 3 टाइम्स तो हो जाएगा 3/10। 3/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.3। तो यहाँ पे NH3 के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने आ गए, 0.3 आ गए। ठीक है, तो हमने NH3 के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब देखिए जो पिछले वीडियो आपने देखे हैं उसी तरह इसमें करना है। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या निकालनी, अभी यही NH3 अगर होता और इसमें पूछता NH3 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालिए, अणुओं की संख्या निकालिए, तो उसके लिए क्या करते, एक मोल से कंपेयर कर देते कि एक मोल NH3 में अणुओं की संख्या बराबर, और बताएं कितनी होती है, 6.023 × 10³। यहाँ पे 0.3 मोल लाए थे, इनसे डिवाइड, इससे मल्टीप्लाई उसको हो जाएगा, आंसर आ जाता। अगर पूछता कि NH3 में परमाणुओं की संख्या निकालिए, यानी अलग अलग ना देता नाइट्रोजन हाइड्रोजन निकालिए, पूरा देता कि NH3 में परमाणुओं की संख्या निकालिए, तब वहाँ पे आपको नियम मैंने बताया था कि जो NH3 है, अब देखिए यहाँ पे NH3 ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे NH3 जो है इसके एक अणु में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, एक नाइट्रोजन का है देखिए, और हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 3। यहाँ पे ध्यान देना है, जो लोग इसके पहले के वीडियोस जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं फर्स्ट ईयर में, वो हमारे मोल कॉन्सेप्ट का पहला और सेकंड वाला जो वीडियो अपलोड हो चुका है उसको देख लेंगे, जिससे ये चीज़ आपकी आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि शुरुआत वहाँ से हुई थी, तो जब तक वो नहीं आप क्लियर कर पाएंगे तब तक यहाँ फिर नहीं समझ पाएंगे। तो उन वीडियोज़ को जो लोग नहीं देखे होंगे वो देख करके फिर आगे इसको करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको तरीका बताया था कि जब कभी नंबर ऑफ एटम्स निकालने होते हैं तो जो कंपाउंड दिया होता है, जो सब्सटेंस दिया होता है, देखा जाता है कि वो जो सब्सटेंस है उसके एक अणु में कितने परमाणु हैं। तो यहाँ पे देखिए अमोनिया जो है इसके एक अणु में टोटल एटम्स कितने हैं, 4, एक नाइट्रोजन का है और 3 किसके हैं, हाइड्रोजन के, तो 3 हाइड्रोजन के हो गए, एक नाइट्रोजन का, तो 4 हो गए, नहीं हो गए। तो यहाँ पे NH3 के एक मालिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 4। और आपको रूल बताए थे कि किसी भी यौगिक या अणु के एक अणु में जितने परमाणु होते हैं उसके एक मोल में उतने ही मोल परमाणु हो जाते हैं, ये आपको सिंपल सा फंडा मैंने बताया था। यहाँ पे चूंकि अगर आपको अलग अलग सेपरेट सेपरेट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कैलकुलेट करनी है, अगर पूरी करनी होती तब तो वही हो जाता कि NH3 के एक अणु में टोटल नंबर ऑफ एटम्स देखिए कितने हैं, 4 हैं, तो जब एक मोल NH3 हम लेते तो वहाँ परमाणुओं की संख्या कितनी होती, 4 मोल हो जाती। बट यहाँ पे NH3 जो है इसका अलग अलग हमको नाइट्रोजन हाइड्रोजन परमाणु निकालने हैं, तो NH3 के एक अणु में नाइट्रोजन परमाणु
बराबर एक। देखिए NH3 के एकड़ में हमको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ ध्यान दीजिएगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन अलग अलग कैलकुलेट करने, कितने नाइट्रोजन परमाणु होंगे कितने हाइड्रोजन परमाणु होंगे तो अलग देखेंगे। तो यहाँ पे NH3 का जो एक मालिक्यूल है इसमें नाइट्रोजन का एक ही परमाणु तो है, तो ऐसे कंडीशन में अब देखिए NH3 के एकड़ में नाइट्रोजन परमाणु कितना है, एक है। और मैं तरीका बताया, किसी भी अणु या यौगिक के एक अणु में जितने परमाणु होते हैं एक मोल में उसके उतने ही मोल परमाणु हो जाते हैं। तो यहाँ पे चूंकि नाइट्रोजन जो परमाणु है NH3 के एक अणु में नाइट्रोजन का कितना परमाणु है, एक परमाणु है, इस वजह से जब NH3 वन मोल लेंगे तो उसमें नाइट्रोजन परमाणु भी तो वन मोल हो जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा चूंकि वन मोल NH3 में, वन मोल NH3 में नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या बराबर नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या बराबर एक मोल, और एक मोल की वैल्यू कितनी होती है 6.023 × 10²³। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे 0.3, तो जाएगा इसलिए 0.3 मोल NH3 में नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या बराबर 0.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 0.3 × 6.023 × 10²³ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये 3 से इसको करेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये 0 और यहाँ पे 18। अब देखिए तीन स्थान पर तीन प्लेस, तीन अंकों के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ और इधर एक है तो चार हो गए, तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे लग जाएगा 23। यानी नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी आ गई 1.8069 × 10²³ परमाणु, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन एटम आपने कैलकुलेट कर लिए। अब आगे इसी तरह से हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, जब आप हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करेंगे तो इसी तरह से रहेगा जैसे इसमें नियम बताए हैं। अब देखिए यहाँ पे NH3 के एक अणु में टोटल हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, 3, NH3 लिखा हुआ है तो हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, 3। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन परमाणु कैलकुलेट करने हैं तो एक अणु में हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, देखिए 3, तो यहाँ लिख देंगे NH3 के एक अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बराबर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बराबर 3। देखिए NH3 के एक अणु में हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, 3, तो NH3 के एक अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बराबर 3 हो जाएगी। अब फिर वही अगर एक मोल NH3 लें, अब देखिए चूंकि यहाँ पे NH3 के एक अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 3 है, इसलिए जब NH3 एक मोल लिया जाएगा तो उसमें जो परमाणुओं की संख्या होगी, हाइड्रोजन परमाणुओं की जो संख्या होगी वो कितने मोल हो जाएगी, 3 मोल, क्योंकि अभी आपको नियम इसके पहले बता चुके हैं और पहले वीडियोज़ में बता चुके हैं कि किसी भी यौगिक के एक अणु में जितने परमाणु होते हैं उसके एक मोल में उतने ही मोल परमाणु हो जाते हैं। तो यहाँ पे NH3 के एक अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 3 है, इसलिए NH3 जब एक मोल लेंगे तो उसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितने मोल हो जाएगी, 3 मोल हो जाएगी। तो लिखेंगे चूँकि एक मोल NH3 में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बराबर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बराबर 3 मोल, तो 3 मोल हो जाएंगे। मोल की जब वैल्यू रखेंगे तो जाएगा 3 × 6.023 × 10²³। ये इतने हाइड्रोजन परमाणु NH3 के एक मोल में होंगे और यहाँ मोल कितने आए थे 0.3, तो जाएगा इसलिए 0.3 मोल NH3 में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बराबर, अब 0.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 0.3 × 3 × 6.023 × 10²³। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पहले इससे कर लीजिए 339 हो जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 9 से 7 को करेंगे, 9 और 3 का करेंगे तो यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 0 हो जाएगा,
टू जाएगा यहाँ पे 54, 1, 2, 3, 4 इतने आ जाएंगे परमाणु। तो यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु आ गए 5.4207 × 10³। तो इस तरह से आपने यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु कैलकुलेट कर लिया। तो अलग अलग इस तरह करेंगे, इसी तरह जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। समझ में आ गया सभी लोगों को? यहाँ पे NH3 जो था उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु हमको कैलकुलेट करने थे, एक साथ में पूरे परमाणु नहीं कैलकुलेट करने थे। तो जब अलग अलग करने होंगे तो उनको अलग अलग इस तरह किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे वेट अपान मॉलिकुलर वेट फार्मूला यूज करके। आफ्टर दैट यहाँ देखेंगे NH3 के एक अणु में चूंकि नाइट्रोजन का एक परमाणु है, इसलिए जब हम एक मोल NH3 लेंगे तो उसमें नाइट्रोजन परमाणुओं की जो संख्या होगी वो एक मोल हो जाएगी, क्योंकि सीधा सा रूल होता है किसी भी यौगिक के एक अणु में जितने परमाणु होते हैं उसके एक मोल में उतने ही मोल हो जाते हैं। तो चूंकि यहाँ NH3 के एक अणु में नाइट्रोजन का एक परमाणु है, इसलिए जब एक मोल NH3 लिया जाएगा तो उसमें परमाणुओं की संख्या, नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या एक मोल हो जाएगी। 0.3 मोल आए थे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा 1.8069 × 10³ परमाणु नाइट्रोजन के हो जाएंगे। फिर हाइड्रोजन का जब देखेंगे तो NH3 के एक अणु में चूंकि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या देखिए कितनी है, 3 है, इस वजह से जब एक मोल NH3 लेंगे तो उसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 मोल हो जाएगी। तो 3 मोल हो जाएगी तो 3 और मोल की वैल्यू रख देंगे, फिर 0.3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 5.4207 × 10³ परमाणु। तो इस तरह से परमाणुओं की संख्या कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से आयन भी आपको कंबाइन बताए थे उसमें, और अगर नंबर ऑफ आयन्स भी आपको कैलकुलेट करने हो अलग अलग तो उसको कैसे करेंगे, उस पर आधारित एक न्यूमेरिकल आपको बताए देते हैं। जैसे आपको दिया हो 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में H+ आयनों की संख्या और सल्फेट आयनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन दिया हो अलग अलग। देखिए आयन्स को कैसे करेंगे उसको भी बताए देते हैं। 9.8 ग्राम H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं H2SO4 को, H2SO4 में H+ और सल्फेट आयनों, SO4-2 चार्ज, सल्फेट आयनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये दिया हो क्वेश्चन। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था NaCl में, NaCl का एक एग्जाम्पल देके बताया था कि NaCl में कैसे कैलकुलेट करेंगे आयनों की संख्या। यहाँ पे आयनों की संख्या H2SO4 में कैलकुलेट करनी है। वेट कितना दिया है 9.8 ग्राम। तो मैंने भी बताया कि सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो सल्फ्यूरिक एसिड का वेट कितना है 9.8, तो जाएगा H2SO4 का भार W बराबर 9.8 ग्राम। तो इसका भार W बराबर 9.8 ग्राम हो जाएगा। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे MW ऑफ H2SO4, यानी H2SO4 का अणु भार। तो सब परमाणुओं के परमाणु भारों को आपस में जोड़ दिया जाएगा, तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु है देखिए, 2, तो जाएगा 2 × एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का परमाणु भार, हाइड्रोजन का परमाणु भार। फिर देखिए सल्फर का एक ही है तो S का परमाणु भार, S का परमाणु भार। फिर ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 4 हैं, तो प्लस हो जाएगा 4 × O का परमाणु भार। तो हाइड्रोजन का 1 होता तो 2 × 1 हो जाएगा, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16, तो 4 × 16 कर लेंगे तो 2 + 32 और ये मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 16 और 4 को, तो ये हो जाएगा 64, 64 32 और 2 को जब ऐड करेंगे तो 2 × 2 = 48 और 639 98 आ जाएगा यहाँ पे। तो H2SO4 का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा कितना है 98। अब सल्फ्यूरिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो मोल्स निकालने के लिए फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, तो जाएगा H2SO4 के मोल स्मॉल n बराबर H2SO4 का भार बटे हो जाएगा H2SO4 का अणु भार, H2SO4 का
और भार। अब यहाँ पे जो H2SO4 है उसका भार आपको 9.8 दिया हुआ, तो 9.8 और अणुभार 98 है, ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 10 नीचे हो जाएगा, 98 90 कैंसिल, 1/10 मीन्स नंबर आप मोल कितने आ जाएंगे 0.1। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के नंबर आप मोल्स कितने आएंगे 0.1 आएंगे। अब इसमें देखिए आपको आयन निकालने कौन से, H+ आयन और SO4-2 यानी सल्फेट आयन। तो यहाँ पे आपको H+ आयन और सल्फेट आयन निकालने, तो आपको इसके पहले वाले वीडियो में NaCl का करके बताए थे कि जब आपको नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करने होंगे तो वहाँ पर उसका आप आयनाइजेशन करोगे। तो H2SO4 का जब आयनाइजेशन होगा, H2SO4 इसका जब आयनाइजेशन करोगे तो हाइड्रोजन दो हैं यहाँ पे, तो 2H+ बनेगा, यानी हाइड्रोजन आयन कितने बनेंगे संख्या में, दो बनेंगे 2H+ और प्लस हो जाएगा SO4-2 चार्ज सल्फेट आयन। तो सल्फेट आयन बनेगा, H+ आयन बनेगा। अब देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने बने, H2SO4 का आयनाइजेशन हुआ तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने बने, दो हाइड्रोजन के हो गए और एक सल्फेट आयन हो गया, तो दो एक कितने हो गए 3, यानी H2SO4 के एक अणु में टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं यहाँ पे 3 हैं। तो याद कीजिए इसके पहले जो वीडियो में NaCl वाला बताए थे उसी तरह से अगर पूछता यहाँ पे, अगर क्वेश्चन को चेंज कर देता, ये कर देता 9.8 ग्राम H2SO4 में आयनों की संख्या ज्ञात करिए, यानी H+ और SO4-2 ना दिया होता, केवल दिया होता 9.8 ग्राम H2SO4 में आयनों की संख्या ज्ञात करिए, तब वही जो NaCl वाला पिछले वीडियो में फंडा लगा था वही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दो देखिए हाइड्रोजन आयन है और एक सल्फेट आयन है, तो दो एक कितने हो गए 3। तो चूंकि H2SO4 के एक अणु में टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए 3 हो गए, इसलिए जब H2SO4 एक मोल लेंगे तो उसमें टोटल आयनों की संख्या कितने मोल हो जाएगी 3 मोल हो जाएगी, फिर मोल आया 0.1 मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ आयंस हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपको H+ आयन और सल्फेट आयन अलग अलग ज्ञात करने, तो H+ आयन और सल्फेट आयन आपको अलग अलग ज्ञात करने। तो देखिए जब H2SO4 इसका जब आयनाइजेशन हुआ तो इसका एक अणु होने पर H+ आयन कितने बने हैं, दो बने, तो बने नहीं बने, इसलिए जब सल्फ्यूरिक एसिड एक मोल लेंगे तो वहां पे जो H+ आयनों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, दो मोल हो जाएगी। H2SO4 के आयनाइजेशन से एक अणु का जब आयनाइजेशन हुआ है तो वहां पर टोटल H+ आयन कितने बन गए, दो बन गए। इस वजह से जब आप H2SO4 को एक मोल रखेंगे तो वहां पे जो H+ आयनों की संख्या होगी कितने मोल हो जाएगी, दो मोल हो जाएगी। ठीक है, तो H+ आयन जब निकालेंगे तो जाएगा चूंकि 1 मोल H2SO4 में H+ आयनों की संख्या बराबर H+ आयनों की संख्या बराबर 2 मोल। देखिए दो हैं, एक मोल का जब आयनाइजेशन हुआ एक मोल है ये, तो यहाँ पे दो बने नहीं बने तो दो मोल हो जाएंगे। तो H2SO4 अगर एक मोल होगा तो H+ आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी, दो मोल हो जाएगी। अब मोल की वैल्यू रखेंगे तो 2 × 6.023 × 10³। ये एक मोल में इतने H+ आयन हो जाएंगे। फिर यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स आपने कितने निकाले हैं, 0.1 हो जाएगा, इसलिए 0.1 मोल H2SO4 में H+ आयनों की संख्या बराबर 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 × 2 × 6.023 × 10³। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, इससे करेंगे 4, यहाँ 12, 1, 2, 3, 4, 23, यानी आ जाएगा H+ आयन आ जाएंगे कितने, 9.8 ग्राम H2SO4 में देखिए H+ आयन कितने आ गए, 1.2046 × 10³ आयन। तो ये आपके H+ आयन आ गए। इसी तरह से जब सल्फेट आयन निकालेंगे तो देखिए H2SO4 का एक मोल होने पर सल्फेट आयन यहाँ पे कितने बने हैं, एक ही तो बना, H2SO4 जब आयनित हुआ तो आयनित होने पर सल्फेट आयन एक ही तो इसने बनाया। इस वजह से जब एक मोल H2SO4 लेंगे तो उसमें सल्फेट आयनों की संख्या कितनी, एक ही मोल तो रहेगी, तो उसके लिए हो जाएगा चूंकि 1 मोल H2SO4 में सल्फेट आयनों की संख्या बराबर सल्फेट आयनों की संख्या बराबर
एक मोल हो जाएगी। एक मोल का मतलब 6.023 इंटू 10^23, ये एक मोल में हो जाएंगे। मोल यहाँ कितने हैं, 0.1, इसलिए 0.1 मोल। H2SO4 में सल्फेट आयनों की संख्या बराबर 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.1 इंटू 6.023 इंटू 10^23, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो चूंकि 0.1 है तो एक पावर यहाँ बढ़ जाएगी, 6.023 इंटू 10^24 आयन। तो देखिए आपने अलग अलग कैलकुलेट कर लिया, एच प्लस आयन कितने आए संख्या में, 1.2046 इंटू 10^23, और सल्फेट आयन कितने आए, 6.023 इंटू 10^24। तो ये सल्फेट आयन हो गए, और वो आपके सॉरी यहाँ पे पॉइंट है तो पावर प्लस में है तो कम हो जाएगी, 2 हो जाएगा, तो आप हो जाएगा 6.023 इंटू 10^22, क्योंकि ये पॉइंट हटेंगे तो ये पावर माइनस में हो जाएगी, तो एक यहाँ से घट जाएगी पावर तो 22 आएगा। तो सल्फेट आयन आएंगे 6.023 10^22, और आपके जो एच प्लस आयन होंगे कितने आएंगे, 1.2046 इंटू 10^20। तो इस तरह से अलग अलग जब नंबर ऑफ आयन्स को करेंगे तो इस तरह करना पड़ेगा, एक साथ करना होता तो 2 इसके हो जाते, एक इसका, तो 3 हो गए थे। तब जब H2SO4 एक मोल लेते तो टोटल आयनों की संख्या कितनी हो जाती, 3 मोल हो जाती, फिर 0.1 से करके टोटल आयन निकाल लेते। तो ऐसे अलग अलग निकालते हैं। अगला आपको बताते हैं, इसमें जब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, सपोज दैट आपको कोई क्वेश्चन दिया, उसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने हैं, जैसे आपको दिया हो। अब इनको करके देखिएगा, आप कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें सभी लोग अगर इस वीडियो से देख करके सही से आप लोग स्टडी करेंगे तो बहुत इजी वे में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस, इन सभी को बहुत इजी वे में कैलकुलेट कर लोगे, आसानी से आपको निकालना आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक बता देते हैं आपको हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हो 2.2 ग्राम CO2 में इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन दिया। तो आपको मॉलिक्यूल्स निकालना आ गया, एटम्स निकालना आ गया, आयंस निकालना आ गया, अलग अलग आयंस और एटम्स कैसे निकालेंगे वो निकालना आ गया। अब निकालना है कि अगर कोई सब्सटेंस दिया उसमें इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं या प्रोटॉन्स निकालने हैं या न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो उनको कैसे करेंगे। तो पहले वही रहेगा, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो जब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो यहाँ पे CO2 का जो वेट है कितना है, 2.2 ग्राम, तो CO2 का भार बराबर हो जाएगा 2.2 ग्राम। फिर नंबर ऑफ मोल्स के लिए वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट फार्मूला यूज करते हैं, तो इसका अणु भार निकालेंगे तो जाएगा MW ऑफ CO2, यानी CO2 का अणु भार, सबका परमाणु भार जोड़ देंगे तो कार्बन का परमाणु भार और प्लस ऑक्सीजन के दो हैं चूंकि यहाँ पे एटम CO2 में, तो 2 × O का परमाणु भार, ठीक है। तो कार्बन का परमाणु भार 12 होता है और 2 × O तो 2 × 16 O का, तो 12 + 32 तो ये आपका कितना जाएगा, 44। तो ये 44 आ गया, यानी CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आया, 44 आया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो जाएगा CO2 के मोल स्मॉल n बराबर CO2 का भार अपान हो जाएगा CO2 का अणुभार। देखिए CO2 का भार कितना दिया है, 2.2
तो 2.2 अपान हो जाएगा 44। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, यहाँ पे दो बार लग जाएगा, यानी 1/20। 1/20 से 1 को जब आप डिवाइड करेंगे तो जाएगा 0.05, यानी जो मोल थे CO2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 0.05 आ गए। ठीक है, अब ऐसे मोल निकाल लिया। प्रोसेस वही करनी जो आपने नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने में किए थे, आयंस को किया था, उसी तरह रहेगा। थोड़ा यहाँ पे समझना बस आपको है, बहुत आसानी से बहुत इजी भी में कर लेंगे, कुछ भी कठिन इसमें नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल लिए। अब देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे जैसे कैलकुलेट करते थे आप नंबर ऑफ एटम्स में कि एक अणु में कितने हैं टोटल परमाणु, उसके हिसाब से निकालते थे नंबर ऑफ एटम्स परमाणुओं को, उसी तरह से यहाँ पे करना पड़ेगा। जो भी आपको यौगिक या अणु दिया होगा तो देखेंगे वहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन उसके पास कितने हैं। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है, CO2, अब CO2 में कार्बन का एक परमाणु है और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, दो परमाणु है देखो CO2 में। तो यहाँ पहले आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि CO2 के एक अणु में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसके हिसाब से फिर आगे करेंगे। तो जरा माइंड लगाइए, बताइए CO2 के एक अणु में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे तो CO2 के एक अणु में, CO2 के एक अणु में, एक अणु में इलेक्ट्रॉन बराबर, तो CO2 के एक अणु में जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अलग अलग कैलकुलेट कर लीजिए, फिर जोड़ दीजिए। देखिए कार्बन है यहाँ पे, कार्बन का आपको पता होगा कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, इसलिए कार्बन के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी तो 6 होंगे। आप लोगों ने पढ़ा है किसी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसके नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा क्या होती, बराबर होती है। ठीक है, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों आपस में बराबर होते हैं, तभी तो आपके परमाणु जो हैं उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो कार्बन का चूंकि परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, इसलिए कार्बन के पास नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वो 6 होगी। अब चूंकि प्रोटॉन 6 होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6 होंगे। तो सीधा सा याद रखना है किसी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पे। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, इसलिए कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, 6 इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम प्लस। अब ऑक्सीजन के दो हैं परमाणु, तो ऑक्सीजन का जो एक परमाणु था तो ऑक्सीजन के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए यहां पर अभी मैंने आपको रूल बताया कि किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। तो चूंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है, इसलिए ऑक्सीजन एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो एक ऑक्सीजन एटम में 8 होंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 2, तो एक में 8 होंगे तो 2 में कितने हो गए, 16। तो 16 इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम, समझ गए। कैसे निकालेंगे, जो भी कंपाउंड दिया होगा या जो भी आपको अणु दिया होगा उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन इस तरह कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे CO2 में कैलकुलेट करना था, तो CO2 में कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम है। तो किसी, आपको मैंने फंडा बता दिया सीधा सा कि किसी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 हो जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 हो जाएंगे। तो चूंकि एक में 8 होंगे ना, और यहाँ पर O के कितने एटम हैं टोटल, 2, तो 2 में मिला के कितने हो गए, 16। अब इनको ऐड कर दीजिए, 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, 16 ही, तो टोटल आपके 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देखिए कैलकुलेट कर लिया आपने, CO2 के एक अणु में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 22 हो गए। इसी तरह जैसे आपसे पूछा जाए कि H2O के एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक और एग्जांपल बता जिससे आपको बहुत ही जीबी में समझ में आ जाएगा। तो अगर ये पूछा जाए कि H2O के एक अणु में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इसी तरह इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन इसी से तो मिलकर बना H2O, तो हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, हाइड्रोजन के जो परमाणु क्रमांक होता है
वो कितना होता है, एक होता है। अभी मैंने बताया किसी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक होता है, तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन भी तो एक होगा, तो एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होगा, और हाइड्रोजन के टोटल कितने परमाणु हैं यहाँ पे, दो, तो दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के हो गए। ओ का भी बताए ही हैं कि ओ के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या आठ होती, तो आठ इसके हो गए, दो इसके हो गए, कितने हो गए, दस। यानी वाटर के एक अणु में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, टेन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी मालिक्यूल आया करे, उसमें जो भी परमाणु हुआ करें, उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप इस तरह से इजी वे में कैलकुलेट कर लिया करो। तो यहाँ पे देखिए CO2 में कैलकुलेट करना, आपने जान लिया कि CO2 के एक अणु में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 22। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, चूंकि CO2 के एक अणु में 22 इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से जब आप एक मोल CO2 लोगे, तो एक मोल CO2 लेने पर टोटल वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे एक मोल CO2 में कितने हो जाएंगे, 22 मोल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ एटम्स में आपको बताए थे कि एक अणु में जितने परमाणु होते हैं एक मोल में उतने ही मोल परमाणु हो जाते हैं, उसी तरह यहाँ पे है, एक अणु में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उस पदार्थ का अगर एक मोल लिया जाएगा तो उसमें उतने ही मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो चूंकि यहाँ CO2 के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 22 है, इस वजह से जब एक मोल CO2 लेंगे तो इलेक्ट्रॉन 22 मोल हो जाएंगे। तो जगह चूंकि वन मोल CO2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 22 मोल, तो 22 मोल हो जाएगी। मोल की वैल्यू रखेंगे तो ये आप ऐसे ले सकते हो 22 इंटू 6.023 इंटू 10^23। ठीक है, ये एक मोल में हो गया, और देखिए मोल यहाँ पे कितने आए हैं, 0.05, इसलिए 0.05 मोल CO2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 0.5 से कर देंगे, 0.05 से 22 इंटू 6.023 इंटू 10^23। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और इसका इसका करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 पॉइंट, देखिए 2 × 1 = 4, तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट, इनटू जाएगा 10^23 इलेक्ट्रॉन। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने आ गए, 6.6253 इंटू 10^23। तो CO2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लिए। अब प्रोटॉन जब करेंगे तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जब कैलकुलेट कर लिया तो प्रोटॉन कर लीजिए, क्योंकि मैंने अभी बताया था जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो चूंकि CO2 में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6.6253 इंटू 10^23, तो इतने चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी तो इतने होंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये भी आपके इतने ही हो जाएंगे, 6.6253 इंटू 10^23। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इतने ही हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपस में क्या होती, बराबर होती। न्यूट्रॉन देखो जब निकालेंगे तो न्यूट्रॉन भी आप अलग कैलकुलेट कर लीजिए, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किए थे वैसे आप न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट कर लीजिए। न्यूट्रॉन्स को जब कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए देखिए क्या करना आपको है, जैसे CO2 के एक अणु में इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किए थे वैसे न्यूट्रॉन करेंगे। अब न्यूट्रॉन के संबंध में ध्यान रखना पड़ेगा, न्यूट्रॉन आप लोगों ने 9th वगैरह में पढ़ा होगा कि जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट किए जाते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसी भी परमाणु में आपको निकालने हों, तो उस परमाणु का जो परमाणु भार होता है उससे परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है परमाणु भार और माइनस होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी तत्व में जब आपको न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हो तो क्या लगाएंगे फार्मूला, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर उस तत्व का परमाणु भार और माइनस हो जाएगा परमाणु क्रमांक। यानी किसी भी एटम में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए परमाणु भार से परमाणु क्रमांक को घटाया जाता है। अब जैसे कार्बन है यहाँ पे, तो कार्बन में आपको न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तो कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो 12 होता है, परमाणु क्रमांक अभी आपको बताए थे 6 होता है, तो 12 से 6 को माइनस करेंगे तो जो न्यूट्रॉन्स होंगे वो 6 हो जाएंगे, तो 6 न्यूट्रॉन कार्बन के हो गए। इसी तरह ऑक्सीजन के जब न्यूट्रॉन निकालोगे, ऑक्सीजन के
एटम में निकालोगे तो इसका परमाणु भार जो है वो 16 होता है। परमाणु भार 16 होगा और परमाणु क्रमांक आपका कितना होगा, 8 अभी बताए थे, तो उसमें भी आपके आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, तो 8 उसमें हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए सूत्र क्या लगाओगे, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, यानी तत्व का जो परमाणु भार होगा उससे परमाणु क्रमांक को घटा दिया करो। तो कार्बन में जब कैलकुलेट करोगे तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है, और परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 हो गए, तो कार्बन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 हो जाएंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होंगे कार्बन में वो 6 हो जाएंगे, 6। और ऑक्सीजन एटम में एक कार्बन के हो गए न्यूट्रॉन, और ऑक्सीजन एटम में आपके एक एटम में कितने हो जाएंगे, 8, क्योंकि ऑक्सीजन का जो एक एटम होगा उसका परमाणु भार जो होता है वो 16 होता है, और जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता, तो 16 से 8 को जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, माइनस करेंगे आप, तो वहाँ पे कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। तो 8 न्यूट्रॉन हो गए ऑक्सीजन के, और 6 किसके न्यूट्रॉन हो गए, कार्बन के। ठीक है, तो कार्बन का चूंकि एक ही एटम है इसलिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे 6 रहेंगे। ऑक्सीजन के आपके दो एटम है, देखिए CO2 में ऑक्सीजन के टोटल जो एटम्स हैं वो कितने हैं, 2 हैं, इसलिए एक में देखिए 8 न्यूट्रॉन होंगे, तो 2 में कितने जाएंगे, 16, तो 16 न्यूट्रॉन आपके किसके हो जाएंगे, वो एटम के हो जाएंगे, और 6 किसके हो जाएंगे, कार्बन के। तो वहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखिए भाई, देखिए यहाँ पे सेम ही आ गया, किसी किसी में डिफरेंट भी आएगा, तो आपको लॉजिक याद रखना, इस तरह आपको न्यूट्रॉन निकालने। तो न्यूट्रॉन भी टोटल कितने आ जाएंगे कार्बन CO2 में, CO2 के एक अणु में न्यूट्रॉन बराबर, एक अणु में जब न्यूट्रॉन निकालेंगे आप, कर लेना आगे इसी तरह सेम है, तो 6 न्यूट्रॉन कार्बन के हो जाएंगे, और 16 इलेक्ट्रॉन आप 16 आपके जो न्यूट्रॉन होंगे वो ऑक्सीजन के हो जाएंगे, तो 22 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, 22 न्यूट्रॉन। तो जब 22 हो जाएंगे तो यही तो आंसर आएगा, तो यहाँ लिख देंगे थ्योरी में, जैसे इसमें लिखें एक मोल CO2 में, अब देखिए CO2 के एक अणु में टोटल न्यूट्रॉन 22 हैं, इसलिए जब एक मोल CO2 लेंगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 22, तो लिखेंगे चूंकि एक मोल CO2 में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर 22 मोल, इसलिए 0.05 में तो यही आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए CO2 जो होगी उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सेम ही आएंगे, तो इतने ही इसी तरह आ जाएंगे, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मोल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये चीज़ बता दी। तो इस तरीके से आप लोगों को हमने किस तरह से पदार्थ में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, अणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे वो बता दिया, कैसे नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे यानी परमाणुओं की संख्या की गणना किसी पदार्थ में कैसे करेंगे उसके बारे में बताया, आयनों की संख्या की गणना कैसे करेंगे उसको मैंने बताया, और इस लास्ट वीडियो में अलग अलग परमाणुओं की संख्या और आयनों की संख्या आप कैसे करेंगे उसको बताया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में बताया। तो आप लोग जो ये तीनों वीडियोस हैं मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो आज ये कंप्लीट हुआ है, इसको वीडियो देख करके और अपने नोट्स बना लीजिएगा, तो सारे तरह के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, चाहे परमाणुओं की संख्या निकालनी हो, चाहे अणुओं की संख्या निकालनी हो, चाहे आयनों की संख्या निकालनी हो, चाहे इलेक्ट्रॉन निकालने हो, चाहे प्रोटॉन निकाले हों, इस टाइप के जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे बहुत ईजी वे में आप लोग कर लेंगे। आप लोगों को एज ए होमवर्क हम ये 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, एक आपका है 1.8 ग्राम H2O में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करिए, कर लेंगे बहुत इजी वे में, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिएगा, जो तरीका भी बताएं CO2 में जिस तरह से उसी तरह कर लेना। अगला है 6.4 ग्राम मेथेन में इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करिए, तो जिस प्रकार अभी मैंने CO2 वाला क्वेश्चन बताया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने का उसी तरह इसको कर लीजिएगा, करके देखिएगा। और लास्ट है 11.1 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड, फार्मूला क्या होता है CaCl2 में आयनों की संख्या की गणना कीजिए, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे ये निकाल लें। तो इन तीनों क्वेश्चन को करिएगा आप लोग, और उम्मीद है कि इजी वे में जो मैंने समझाया है उससे देख करके आप ये तीनों क्वेश्चन कर लोगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, हमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट।